बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास ने बुधवार को उड़ीसा पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में जमकर तबाही मचाई थी। यास तूफान से पश्चिम बंगाल बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में कुछ हिस्सों में बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 1 से 3 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, वीरभूम, मुर्शिदाबाद जिलों के कुछ हिस्सों में बिजली और तेज हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अब ये तूफान कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील हो चुका है। हालांकि ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा। बता दें कि 26 मई को यास पूर्वी तटों से टकराया था और बुधवार को यास बेहद गंभीर हो गया था। बिहार में आज भी बारिश की संभावना। पटना मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर से मूव करने के कारण बिहार में भी तूफान का असर होगा। 27 मई तक राज्य में बारिश के आसार हैं। इसी के साथ अगले 5 दिनों तक जमुई, नवादा, गया, भभुआ, औरंगाबाद में बादल छाए रहेंगे। उड़ीसा में 7 दिन की राहत की घोषणा। तूफान का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा में दिखाई दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चक्रवात प्रभावित जिलों के करीब 128 बार प्रभावित गांवों में के परिवारों के लिए 7 दिन की राहत की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि जिले में 80% आपूर्ति अगले 24 घंटे के दौरान बहाल कर दी जाएगी। भारतीय नेवी ने चलाया राहत अभियान। विशाखापट्टनम से 7 भारतीय नौसेना की टीमें, जिसमें 2 डाइविंग और 5 बार राहत दल शामिल हैं, 3 अलग अलग स्थानों पश्चिम बंगाल में दीघा, फ्रेजरगंज और डायमंड हार्बर पर चक्रवाती तूफान के बाद आई तबाही के बाद राहत अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण और आसपास के आंतरिक ओडिशा पर गहरा डिप्रेशन पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। 27 मई को दक्षिण झारखंड और पड़ोस में जमशेदपुर के पश्चिम दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर और रांची के दक्षिण पूर्व में 70 किलोमीटर पर केंद्रित है। हालांकि यूपी में भी 27 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।